नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ आज के दिन का इतिहास। तो आइए उसे देख लेते हैं। आज के दिन 1413 में हेनरी पंचम इंग्लैंड के राजा बने थे। हेनरी पंचम एक ब्रिटेन का शासक था जिन्होंने ब्रिटेन पर शासन किया था। आज के दिन 1791 में ब्रिटानी सेना ने टीपू सुल्तान से बेंगलुरु छीन लिया था। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है बल्कि वो विद्वान भी था। आज के दिन 1836 में कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी। अब इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी है। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया तथा कई सचिवालय पुस्तकालयों के संग्रहों को इकट्ठा करके जनवरी 1903 में इंपीरियल पुस्तकालय को जनता के लिए खोला गया। आज के दिन 1954 में पहले फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में सिर्फ 5 पुरस्कार रखे गए थे जिसमें 2 बीघा जमीन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। इस फिल्म के निर्देशक विमल रॉय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिलीप कुमार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मीना कुमारी और इसी फिल्म के लिए नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला था। आज के दिन 1975 में आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी जो 21 मार्च 1977 तक लगी रही। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। इसे आजाद भारत का सबसे विवादास्पद दौर भी माना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तो इसे भारतीय इतिहास की सबसे काली अवधि की संज्ञा दी थी। आज के दिन 1971 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था। उन्होंने मार्च 1971 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। गावस्कर ने अपना प्रथम शतक उसी श्रृंखला के तीसरे मैच में बनाया। क्वींस पार्क ओवल में अंतिम मैच में उन्होंने 2 पारियों में 124 और 220 रन बनाते हुए शतक लगाए। ऐसा असाधारण कार्य करने वाले वो द्वितीय भारतीय खिलाड़ी बने। आज के दिन 1978 में बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी का जन्म हुआ था। 2005 में वे बॉलीवुड के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में सिर्फ एक महिला थी। रानी ही एक ऐसी अभिनेत्री है जिसे फिल्म फेयर ने 3 साल लगातार बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री घोषित किया था। आज के दिन 1916 में महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन्म हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज के दिन प्रसिद्ध उपन्यासकार शिवानी का 2003 में निधन हुआ था। शिवानी हिंदी की एक कहानीकार एवं उपन्यासकार थी। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत था किंतु वे शिवानी नाम से लेखन करती थी। आज के दिन विश्व कविता दिवस प्रति वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इस दिन को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वर्ष 1999 में की थी जिसका उद्देश्य कवियों और कविताओं की सृजनात्मक महिमा को सम्मान देने के लिए था। आज के दिन 21 मार्च को संपूर्ण विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम नामक ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैगडॉन डाउन के नाम पर पड़ा था जिन्होंने इस सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले वर्ष 1866 में पता लगाया था। आज के दिन विश्व कठपुतली दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह रंगमंच पर खेले जाने वाले प्राचीनतम खेलों में से एक है। इस दिवस को मनाने का विचार ईरान के कठपुतली प्रशोदा जावेद जोल्पाघड़ी के मन में आया था। आज के दिन विश्व वानिकी दिवस प्रति वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस पहली बार वर्ष 1971 में इस उद्देश्य से मनाया गया था कि दुनिया के तमाम देश अपनी मातृभूमि की मिट्टी और वन संपदा का महत्व समझने तथा अपने अपने देश के वनों और जंगलों का संरक्षण करें। आज के दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस 2017 का विषय था। ये उत्पीड़न के संदर्भ में नस्लीय रूपरेखा और भेदभाव के लिए उत्तेजना है।